डाउटनेट पे कीजिए अपने सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी, सीखिए न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स और सफाया करें अपने सारे मैथ्स डाउट्स का। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर। क्वेश्चन इज द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर 123 टू द होल पावर 99। ओके, तो हमें फाइंड आउट करना है कि 123 की जो होल पावर 99 है इसकी यूनिट प्लेस पर कौन सी डिजिट होगी। ठीक, सो देखिए ये जो बेस में जो नंबर है 123 उसकी यूनिट डिजिट क्या है, उसकी यूनिट डिजिट है 3, तो इसकी जो पूरे की जो यूनिट डिजिट होगी वो हो जाएगी 3 to the power 99। ठीक, तो बेसिकली देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ मैंने एक साइन यूज़ किया है वो है ये कॉन्ग्रुएंट साइन। तो ये कॉन्ग्रुएंट साइन यूज़ करते हैं हम यूनिट डिजिट के लिए, तो यहाँ हम जो ये कॉन्ग्रुएंट साइन यूज़ कर रहे हैं वो है यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने के लिए। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि 123 की होल पावर 99 इसकी यूनिट डिजिट होगी 3 to the power 99। ठीक, अब देखिए 3 to the power 4 अगर हम कंप्यूट करेंगे तो ये होता है इक्वल टू 81, और 81 की यूनिट डिजिट क्या है, 81 की यूनिट डिजिट है 1, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक, सो देखिए अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है 99, तो इसकी पावर लेते हैं हम 24 पावर ले लेते हैं दोनों साइड, सो दिस इज 3 to the power 4 to the whole power 24 इज इक्वल टू इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 to the power 24। ओके, और ये हो जाएगा 3 to the power 96 एंड दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 1। ओके, तो बेसिकली 3 to the power 96 जो है उसकी यूनिट डिजिट होगी 1। अभी जो 3 to the power 99 है इसको ब्रेक करेंगे, सो दिस इज इक्वल टू 3 to the power 96 इंटू 3 to the power 3 एंड दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू, इसकी यूनिट डिजिट है 1 और 3 to the power 3 इज 27, 27 की यूनिट डिजिट है 7, सो 7 × 7 तो ये हो गया इक्वल टू 7। सो दैट मीन्स 123 to the whole power 99 इसकी यूनिट डिजिट क्या आ गई, 7। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी ऑप्शन, दैट इज 7। डाउटनेट पे कीजिए अपने सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी, सीखिए न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स और सफाया करें अपने सारे मैथ्स डाउट्स का। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।